दिल्ली पुलिस ने चाइनीज मांझे के खतरे के मद्देनजर चेतावनी जारी की है। उसने कहा है कि इसके इस्तेमाल या खरीद पर जेल हो सकती है, भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। पुलिस की इस चेतावनी से पहले दिल्ली में पतंग के मांझे से एक व्यक्ति की मौत होने का मामला सामने आया था। अगस्त का महीना शुरू ही होने वाला है। 15 अगस्त के अलावा इस पूरे महीने पतंग के शौकीन धारदार मांझे से पेच लड़ाते हैं, लेकिन बीते सालों में ये शौक जाने अनजाने में कई लोगों की मौत की वजह बन चुका है। इसी के चलते दिल्ली पुलिस ने कह दिया है कि राजधानी में लोगों को अब सूती धागे से ही पतंग उड़ानी होगी। बुधवार यानी 27 जुलाई को समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में दिल्ली पुलिस की PRO सुमन नलवा ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, पतंग उड़ाने के लिए सूती धागे के अलावा कोई भी धागा जिस पर कांच या धातु की चीज लगी हो वे अवैध है। दिल्ली सरकार और NGT की अधिसूचना के तहत ये प्रतिबंधित है। इसकी अवहेलना करने पर 5 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है। सुमन नलवा ने आगे कहा, अगर इसके कारण किसी की जान जाती है तो उस मांझा खरीदने वाले पर IPC की धारा के तहत कार्रवाई होगी। मैं दिल्ली वालों से अपील करती हूं कि अपने मनोरंजन के लिए किसी की जान का खतरा ना बने। अगर मांझे की खरीद या बिक्री कहीं हो रही है तो 112 पर इसकी जानकारी पुलिस को दें। दिल्ली पुलिस ने ये चेतावनी चाइनीज मांझे से एक युवक की मौत होने के बाद जारी की है। हादसा दिल्ली में ही घटा था। पीड़ित सुमित बाइक पर सवार थे। वे अपने घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में मुकरबा चौक के पास धारदार मांझा उनके गले से उलझ गया और उसमें गहरा घाव कर दिया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि 25 जुलाई को मौर्य एनक्लेव पुलिस स्टेशन को PCR कॉल के जरिए एक शख्स के चाइनीज मांझे से घायल होने की जानकारी मिली थी। बाद में सुमित को अस्पताल ले जाया गया, वहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मौर्य एनक्लेव पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। आज तक से जुड़े तंसीम हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक सुमित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि मांझे से उनके गले में 2.5 इंच गहरा घाव हो गया था। वहीं इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक मांझा फंसने से सुमित बाइक से गिर गए थे। उन्होंने मांझे को खोलने की कोशिश की थी, लेकिन वो इतना धारदार था कि उससे उनका गला और सीना कट गया था। डॉक्टरों के मुताबिक मृतक के गले से कांच और धातु के टुकड़े भी मिले थे। पतंग के मांझे में कांच और धातु का इस्तेमाल काफी आम है। शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौंका हल्का काटने के बाद अब बारी है ऐप की। लल्लन टॉप ऐप जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किस्से, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको है बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही Google Play Store पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।